ये कहानी है एक नूब की। अरे कह देना, तू अपने बारे में बात कर रहा है। अरे हाँ हाँ, मैं पहले नूब था। हाँ तो अब कौन सा प्रो बन गया? अब भी तो तू नूब ही है। अरे मतलब पहले मैं हेडशॉट नहीं मार सकता था। हाँ तो अब कौन से मारता है? अब भी तो सिर्फ बॉडी शॉट ही लगते हैं। ये देखना, अभी हेडशॉट लगेगा, वो भी तगड़ा वाला। हाँ? इस बार तो लगेगा ही भाई। एक मिनट, मैं UMP गन से ट्राई करूंगा, पक्का रेड नंबर्स लगेगा। ताले तू। शाबाश। हे प्यारे, वेलकम बैक अगेन। फायर बटन जिसको हम अपने कस्टम HUD के राइट साइड पर ही रखते हैं, वो भी अपने HUD के हाफ से नीचे, लेकिन इस पोजीशन पर कहाँ? तो इसको परफेक्ट सेट करने के लिए ध्यान से सुनना। सभी प्लेयर्स के मोबाइल का साइज अलग अलग होता है और सभी के हाथ का साइज भी अलग होता है, किसी का छोटा तो किसी का बड़ा। So, बस आपको अपने मोबाइल को गेमिंग पोजीशन पर पकड़ना है, यानी कि जिस तरह से आप मोबाइल को पकड़कर गेम को खेलते हैं, एंड गेम पर आपको बिना देखे ड्रैग करने की कोशिश करनी है। आप जब भी ड्रैग करते हैं एंड जहां से ड्रैग स्टार्ट करते हैं, तो उसी सेम प्लेस पर आपको अपने फायर बटन को प्लेस कर देना है। बस ध्यान रखना कि फायर बटन का प्लेसमेंट ना ज्यादा ऊपर रहे और ना ही ज्यादा नीचे रहे, क्योंकि जब आपका फायर बटन एक सही प्लेस पर होता है, तभी जाकर आप परफेक्ट ड्रैग कर सकते हैं। तो अब जानते हैं फायर बटन की बेस्ट साइज, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट प्रूफ्स को देखते हैं। जब भी हम लोग अपने कस्टम HUD पर आते हैं एंड अपने फायर बटन की साइज को कम करते हैं, तो इसके साइज को सबसे छोटा हम लोग 10% तक कर सकते हैं। तो क्या 10% साइज पर सबसे ज्यादा हेडशॉट लगते हैं? तो इसको जानने के लिए मैं ट्रेनिंग ग्राउंड पर आकर कुछ किल्स करता हूं। मैंने बहुत देर तक गेम प्ले किया एंड मैंने देखा कि बहुत ही आसानी से हेडशॉट लग रहे थे, मतलब कि हल्का सा ड्रैग करते ही बिना बॉडी लगे सीधा हेडशॉट। लेकिन इतने छोटे फायर बटन साइज के कारण मुझे फायर बटन को देख देख कर ही ड्रैग करना पड़ता था। कभी कभी तो फायर बटन क्लिक ही नहीं होता, और जब भी मैं ड्रैग करता तो मेरा फिंगर फायर बटन पर टच ही नहीं होता, और बटन के साइड पर मैं ड्रैग करता एंड इसका कोई फायदा भी नहीं, यानी कि छोटी साइज परफेक्ट नहीं होती। वहीं अगर हम लोग अपने फायर बटन को बड़ा करें और 100% पर हेडशॉट मारने का ट्राई करें, तो फिर क्या होता है आप खुद ही देख पा रहे हो। इस बड़े फायर बटन साइज पर भी हेडशॉट लगते हैं, यहाँ तक कि मैंने अलग अलग रेंज पर भी हेडशॉट मारने का ट्राई किया, लेकिन बड़े फायर बटन साइज पर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स। इस पर हेडशॉट मारने के लिए आपको काफी ज्यादा ड्रैग की जरूरत भी पड़ेगी, और जब भी मैं स्क्रीन को रोटेट करने की कोशिश करता तो अपने आप ही मेरा फायर बटन भी क्लिक हो जाता। कभी कभी लगता था कि फायर बटन ऑटोमेटिक से वर्क कर रहा है। इसका मतलब कि फायर बटन की साइज कुछ भी रहे पर हेडशॉट लगते हैं। पर एक परफेक्ट साइज आपको अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करने में एंड एक्यूरेसी के साथ किसी भी गन से हेडशॉट मारने में हेल्प करती है। चलो जानते हैं बेस्ट फायर बटन साइज। एक ऐसी फायर बटन की साइज जो कि हर गन्स पर वर्क करे, चाहे UMP से हेडशॉट मारने की हो या फिर डेजर्ट ईगल से वन टैप। तो सबसे पहले बात करते हैं लो रैम वाले मोबाइल्स की, यानी कि अगर आपके मोबाइल का रैम 2GB, 3GB या फिर 4GB, तो आपको पता है कि ऐसे मोबाइल्स पर आपकी सेंसिटिविटी काफी कम होती है और कभी कभी आपको टच प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। यानी कि स्क्रीन पर कुछ क्लिक करना हो तो वो सही से वर्क ही नहीं करती। अब ऐसे में आपको फायर बटन की साइज को छोटा कभी भी नहीं रखना। सिंपली आप लोग 50-55% तक कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि ये साइज उन सभी के लिए बेस्ट होगा जिनके पास लो रैम वाले मोबाइल्स हैं। अब जानते हैं हाई रैम वाले मोबाइल्स के लिए बेस्ट फायर बटन साइज, यानी कि 6GB, 8GB या फिर 12GB रैम वाले मोबाइल्स के लिए। इस तरह के मोबाइल्स पर अगर फायर बटन साइज को काफी छोटा भी रखे तो भी टच प्रॉब्लम नहीं होती, टच परफेक्टली वर्क करती है, और इसीलिए फायर बटन साइज को 40% से 45% के बीच पर रख सकते हैं, जिस पर आपको ज्यादा ड्रैग स्पेस मिले एंड आप लोग परफेक्टली हेडशॉट भी मार सको। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।